अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे की जाती है। देखें, जब प्रोडक्ट हंटिंग कर ली जाती है तो उसके बाद हमें सोर्सिंग पर फोकस करना पड़ता है कि अब हमने देखना है कि उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है, उसकी परचेजिंग कैसे करनी है, किन किन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने मतलब जिनसे अवॉइड करना है। ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, और इस प्रोडक्ट के देखिए सारे क्राइटेरिया तकरीबन फुलफिल हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट है, ये उस प्रोडक्ट का ASIN है, ये उस प्रोडक्ट की यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट का BSR नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो FBA सेलर 9+ है और FBM सेलर 1 है एंड टोटल 75 सेलर्स आर देयर। नो डाउट इस प्रोडक्ट में कंपटीशन है, लेकिन प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा है और अगर इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत आउट क्लास है इसमें। अब यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट, ये एक सप्लायर है ओलियोलॉजी के नाम से और ये प्रोडक्ट हमें 70-50 में वो दे रहा है और इसमें तकरीबन 6 पैक हैं ये वाले। और यहाँ पर यानी कि ये 1 पैक 2 पैक एंड 3 पैक्स हैं अगर हम इसको ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन से देखें। और यहाँ पर रेड और ग्रीन का सिंगल कॉम्बिनेशन यानी कि ये जो 2 पैक है यानी कि 90 ये कैप्सूल्स हैं, 90 ये वाले कैप्सूल्स हैं, इनकी प्राइस $89 है, ठीक है। तो दैट इज शोइंग कि वहां पर आपको 6 प्रोडक्ट्स इस तरह की मिल रही हैं, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी क्राइटेरियाज हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो आपने देख लिया ना, ये एक रैंडम प्रोडक्ट है जो कि मैंने पिक की है। अब मैं इसकी सोर्सिंग बताती हूँ। देखिए ये जो वेबसाइट है इस पर अगर आप डायरेक्टली जाकर सोर्सिंग करोगे कि आपकी IP पाकिस्तानी हो ये किसी और भी कंट्री की हो, सो डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये ऑर्डर कैंसिल होने के 99% चांसेस हैं कि ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ऑर्डर कैंसिलेशन से कैसे अवॉइड करना है और किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को खरीदोगे और क्या है आपने इसके लिए, सबसे पहले ये सारी चीजों को यहाँ पर आपने डिटेल में इसको रीड आउट करना है, ठीक है। जैसे शिपिंग की पॉलिसी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने डॉलर्स की शिपिंग जो है वो फ्री देते हैं, ठीक है। किस सिटी में डिलीवर करवाना चाहते हैं हम, ग्लोबल डिलीवरी देते हैं, ट्रैकिंग कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट माई ऑर्डर, विद इन 72 आवर्स हो जाएगा, और ट्रांजिट टाइम 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोसेसिंग टाइम है इनका, एक डिलीवरी टाइम है। ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हैं वो हमें ईमेल करना पड़ेगा ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए। ऑर्डर जो है वो संडे या पब्लिक हॉलीडेज को भी डिलीवर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हाउ मच इज द फ्रेट, फ्रेट कितनी है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेसिकली उस पर करेगी, एंड शिपिंग प्राइस कितनी होगी, फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स। तो जितने भी ऑर्डर्स हैं उनकी शिपिंग फ्री है, ये भी हमें एक एज मिल गया कि हमें शिपिंग एज सच पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो हाउ डू आई नीड टू पे द टैक्स फी, ठीक है। तो टैक्स हर उसका कंट्री का, हर कंट्री के स्टेट का डिफरेंट होता है। US में आप किसी भी कंट्री में ले लो 7% 8% तो नॉर्मली होता है, बाकी 12% तक भी जा रहा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए, इससे हमें पता चला कि एक तो शिपिंग फ्री है, दूसरा पेपॉल वीजा मास्टर कार्ड MX वगैरह जो है ये सारे के सारे एक्सेप्टेबल है इस पर। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी देख लेते हैं। अच्छा जी, 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है, 30 डेज के बाद वो रिफंड प्रोवाइड किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। बाकी इसको रीड कर लीजिएगा, ये सारी चीजें सोर्सिंग में हमें रीड आउट करनी होती हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये किस तरह की वेबसाइट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोकल वेंडर्स हैं बिल्कुल ही, और इन पर ट्रस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा चीजों को गो थ्रू करना चाहिए। पेपॉल जो है वो कहते हैं रिकमेंडेड पेमेंट मेथड है ताकि, अच्छा देखिए अगर आप पेपॉल के थ्रू परचेजिंग करते हो, आप बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हम तो पाकिस्तान से काम करें तो हमारा तो पेपॉल नहीं है तो क्या करें, ठीक है। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि किसी और कंट्री का पेपॉल बनवा लो, या पाकिस्तानी डिटेल पर भी लोग पेपॉल बना देते हैं, आप उसको यूज कर लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज जब आप पेपॉल को यूज करोगे तो
इस वेबसाइट को पता होगा कि ये बंदा जेन्युइन है और ये सिक्योर पेमेंट कर रहा है, लेकिन पेपॉल में बहुत सारे मसाइल भी आते हैं। अगर आपका एक ऑर्डर कैंसिल होता है या दो होते हैं तो हो सकता है आपका पेपॉल का अकाउंट ही ब्लॉक हो जाए। तो आपने जो है वो कहते हैं अगर आपके पास पेपॉल अकाउंट है तो सबसे पहले आपने अपने पेपॉल में यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपके पास पेपॉल अकाउंट नहीं है तो आपने पे विद डेबिट या क्रेडिट कार्ड का बटन पर क्लिक करना है। वीजा, मास्टर, एमएक्स और बाकी सारे कार्ड तकरीबन एक्सेप्टेबल हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि पेमेंट एड्रेस आपको एंटर करना है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट और फिर कार्ड डिटेल्स एंटर करनी है और फिर आपने ऑर्डर को कंप्लीट करना है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि मतलब ऑर्डर कैंसिलेशन की एक रीजन ये भी होती है कि जब हम दो तरह की चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड की डिटेल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिडा की, और हम प्रोडक्ट्स को शिप करवा रहे हैं कैलिफोर्निया में या न्यूयॉर्क में, ठीक है, तो उस केस में भी ऑर्डर कैंसिलेशन के चांसेस होते हैं। और कुछ केसेस में इस तरह से होते हैं कि अगर आप कार्ड की डिटेल जो यूज कर रहे हो उसके बिलिंग एड्रेस और जो शिपिंग एड्रेस है अगर वो भी डिफरेंट हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्डर कैंसिलेशन की ये वजह भी बनती है, ठीक है। तो ऑर्डर कैंसिलेशन की एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसमें प्लीज उस वीडियो में क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस प्रोडक्ट को परचेज कैसे करना है, ठीक है। हम बैंक जाते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करने की मैं आपको बताती हूँ तरीका कार क्या है। फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा इस अकाउंट में। आप माय अकाउंट पर क्लिक करो, रजिस्टर पर क्लिक करोगे। ये हर वेबसाइट का तकरीबन यही प्रोसीजर होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, टेलीफोन नंबर, पासवर्ड, फिर दोबारा पासवर्ड एंटर करेंगे। ये सारी चीजें आपने एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसको चेक कर दीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हो वो बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे हम कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी ऑनलाइन परचेजिंग। आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहते हो, लेट से हम 10 क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू कार्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि आपने लाजमी एक चीज को देखना है परचेजिंग से पहले कि मतलब ये कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो उसको पहले आपने अमेजोन के सेलर अकाउंट पे चेक करना है कि वो प्रोडक्ट लिस्ट भी हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी होती हैं या सब कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें हमारे अकाउंट पे लिस्टिंग करना अलाउ नहीं होता। तो उसको बिल्कुल जैसे हम मी टू करने के लिए एड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और ऐसे नंबर एंटर करते हैं तो वहीं पर आपको लिमिटेशन पता चल जाएगी। देर इज नो नीड कि आप पहले जो है वो पूरी लिस्टिंग ही कर लो, आपने सिर्फ चेक करने के लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। अब देखो, मैंने एड टू कार्ट कर ली 10 क्वांटिटी, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। अब देखो ये मुझे टोटल बता रहा है, ठीक है। अब बस उसके बाद हमने क्या करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है और अब हम चेकआउट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अभी उसके लिए आपको वीपीएस होना आपके पास लाजमी है। वीपीएस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप एक एक्सप्रेस वीपीएस को यूज कर सकते हो, एक्सप्रेस वीपीएन है बल्कि, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। अगर वीपीएस यूज कर लो परचेज तो वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, अगर नहीं तो आप इससे भी गुजारा कर सकते हो। या अर्बन के नाम से है एक, ठीक है, अर्बन वीपीएन, इसको आप यूज कर लो, ठीक है, ये भी रिकमेंडेड है, अच्छे अच्छे हैं, इनसे जरा स्पीड स्लो नहीं होती। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है, ईमेल एड्रेस अपना एंटर करेंगे, पेमेंट का एड्रेस एंटर करेंगे यानी कि जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो बिलिंग एड्रेस, जिसे पेमेंट एड्रेस इन्होंने यहाँ पर कहा है, आपने अपना बिलिंग एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। कंटिन्यू टू शिपिंग पर क्लिक करोगे, ठीक है, और चले मैं अभी एक डमी सी ऐसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर देती हूँ, ठीक है, और फिर हम देख लेते हैं अगर कुछ समझ आ जाए। बस ऐसे ही फिलहाल मैं एंटर कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फ्री शिपिंग है, शिपिंग में हमें कोई चार्जेस नहीं आ रहे। हम कंटिन्यू टू पेमेंट मेथड क्लिक करेंगे। अब क्योंकि बड़ी पेमेंट है तो इस पर जो आपका क्लाइंट अगर यूएस बेस्ड है तो उसको आपको जगाना पड़ेगा, थोड़ा उसको बताना पड़ेगा कि आप एक्टिव रहें, क्योंकि डिक्लाइन भी हो सकता है और चीजें इस तरह से भी हो सकती हैं। जो भी कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी वो डालने के बाद आपने यहाँ पर आपने जो है वो सिक्योरिटी कोड वगैरह एंटर करना है, फिर शिपिंग एड्रेस। अब शिपिंग एड्रेस अगर सेम होगा ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके चांसेस होंगे कि आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अगर आप
डिफरेंट यूज करते हो, यहाँ पर क्लिक करके डिफरेंट आप यूज करते हो, तो उस केस में हो सकता है कि आपके मतलब ऑर्डर जो है वो प्रोसीड ना हो। तो यहाँ पर बस उसके बाद आपने कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो ये मेथड है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं कोई भी जो हम प्रोडक्ट आर्बिट्राज के लिए सिलेक्ट कर चुके होते हैं। सो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी हो गई होगी कि जो भी वेबसाइट जहां से आप प्रोडक्ट तलाश कर चुके होते हैं और वो अमेजोन पे भी आपने सेल करनी होती है, तो उसका ऑर्डर प्लेस करना इज वेरी वेरी सिंपल। तो आपने जस्ट क्या करना है कि जो भी वेबसाइट होगी उस पर पहले रजिस्टर कर लीजिएगा, अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, देन उस अकाउंट से कर लें, या फिर आप एज अ गेस्ट भी परचेजिंग कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट उस केस में कीजिएगा जब आप रिटर्निंग कस्टमर हो उनके, और बहुत सारे केसेस में ऑटो शिप का बटन आ रहा होता है, आपने उसको क्लिक नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि जब आप ऑटो शिप पे क्लिक कर लेते हो उनकी सर्विस पे, तो वो रेगुलर पेमेंट आपकी डिडक्ट करके प्रोडक्ट्स भेज रहे होते हैं। तो ऑटो शिप उस वक्त आप करें जब आप देख रहे हो कि आप कंटिन्यूअसली इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि अमेजोन के स्टैट्स का पता नहीं होता, आज कुछ है कल कुछ है, और हो सकता है कि 20 दिनों बाद, 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसके स्टैट चेंज हो गए हो, सो हम कंटिन्यूअसली उस प्रोडक्ट को हम नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी सोर्सिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।